तो हेलो गाइस, दिस इज विकास और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे दोबारा। सबसे पहले तो आप लोगों को मेरा नमस्कार। तो गाइस, आज आपको मीलो इनू टोकन के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे मीलो इनू टोकन एक अच्छा टोकन है। यहाँ पे इस टोकन के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये NFT, एनिमेशन, मेटावर्स, इससे सारी चीजें इसके अंदर आने वाली है। गेम्स से रिलेटेड ये टोकन है और एक ही मीम कॉइन है, बट एक अच्छा कॉइन है। अगर आप इस किसी नए कॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मीलो इनू इसमें से एक ऐसा टोकन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये BNB स्मार्ट चेन के ऊपर वर्क करता है। मैं आपको दिखा देता हूं, इसके जो होल्डर्स हैं अभी 92,000 होल्डर्स हैं, जो कि अच्छे खासे होल्डर्स हैं। सप्लाई भी ठीक ठाक है, इतनी ज्यादा सप्लाई भी नहीं है इसकी। ठीक है, यहाँ पे बर्निंग भी लोग करते रहते हैं और यहाँ पे बर्निंग भी होगी अनल टाइम। ठीक है, वॉचलिस्ट जो है 9,000 लोगों ने इसको वॉचलिस्ट में डाल रखा है। 2874 रैंक है और मीलो इनू जो है 112% आज पंप हुआ है 24 आवर्स में। लो जो है 1775 का था और हाई 4526 ये आज गया है, हो सकता है और भी आगे जाए। ठीक है, तो अभी सारा मार्केट डाउन है बट मिलो आज आपको अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा है मिलो इनू के अंदर। ठीक है गाइज, और यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है 286% का ट्रेडिंग वॉल्यूम हुआ है। मार्केट कैपिटल पे डिलीटेड मार्केट कैपिटल थोड़ी इंक्रीज हुई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है यहाँ पे 7.3 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको देखने को मिलता है 24 आवर, पूरे 24 घंटे के अंदर $7.3 मिलियन का आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिलता है और 116% जो है इंक्रीज हुआ है आज ही। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप मिलो के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर हम 20-1 करोड़ भी आप लगाते हैं तो आपके पास करीब 45,89,83,000 कोराम से मिलो टोकन आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखे जा सकता है। तो अभी जो मैं टोकन में सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मिलो इनू में ही इन्वेस्ट करूँ क्योंकि ये अच्छा टोकन है और यहाँ पे आपको gate.io पे अवेलेबल है। आप इसको gate.io पे खरीद सकते हो, OKX पे खरीद सकते हो, बिटमार्ट पे भी अवेलेबल है मिलो, तो अच्छा टोकन है यार यहाँ पे। ठीक है, और हॉटबिट पे अवेलेबल है। ठीक है गाइस, और मैक्सी ग्लोबल मतलब अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस के ऊपर अवेलेबल है मिलो इनू। और अभी तो लिस्टिंग हुई नहीं है, अभी लिस्टिंग होना बाकी, अभी नया नया टोकन है, देखते हैं अब यहाँ पे लिस्टिंग कहाँ कहाँ उसके होती है। और तो ये सारी चीजें हैं मिलो इनू टोकन को लेके। और ट्विटर पे भी आप देख सकते हो होल्ड एंड अर्न मिलो इनू, यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। हैप्पी मदर्स डे, ये सारी चीजें हैं मिलो टोकन को लेके। तो अभी कोई खास अपडेट नहीं है। यहाँ पे NFTs आपको देखने को मिल जाएगी मिलो इनू टोकन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक्सचेंज को लेके भी अभी देखते हैं क्या क्या नए नए एक्सचेंज आ रही है। मिलो विल बी डिस्प्लेड ऑन द बिलबोर्ड आउटसाइड द नेशनल नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जो बिलबोर्ड है वहां पे आपको देखने को मिल रहा है मिलो का एड। ठीक है, तो मार्केटिंग में यहाँ पे हो रही है, तो ये सारी चीजें हो रही है मिलो को लेकर। होल्डर्स भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, आप देखते हैं यहाँ पे आगे क्या क्या करता है ये टोकन भी। ठीक है, तो ये सारी अपडेट थी मिलो टोकन को लेके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो छोटा सा वीडियो था जो मुझे अपडेट देनी थी आपको। तो अगर आप किसी टोकन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिलो इनू एक ऐसा नया टोकन है जहां पे आप मीम कॉइन है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो अभी थोड़ा सा मार्केट थोड़ा डाउन जा रहा है, तो इसमें मुझे लगता है अपना हाई पंप जो है दिखा चुका है, अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है गाइस, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट आप नीचे की तरफ जाए। ठीक है, तो मार्केट नीचे बाउंस बैक कर सकता है दोबारा। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अपना प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहें मीम कॉइन्स का। जब भी ये पंप करते हैं तो अपना प्रॉफिट बुक करें और नेक्स्ट डे आप देखें कितना ज्यादा वापस डाउन जाता है, फिर अपना वापस वहां पे बाय आप करके दोबारा अपना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपना प्रॉफिट बुक करते रहें मीम कॉइन्स का, कभी ये ना सोचे कि कंटिन्यूसली ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है हम लोग सोचते हैं कि यार अभी तो और ऊपर जाएगा, पर जाता नहीं, एकदम सडनली डाउन आता है, हम लोग अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते। तो मीम कॉइन्स में हमेशा प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। ठीक है गाइस, और यूज MACD इंडिकेटर, सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। ठीक है, आप बेसिक सेटिंग के हिसाब से यूज कर सकते हो तो आपको अच्छा सिग्नल प्रोवाइड करता है MACD। ठीक है गाइस, तो मैं तो ट्रेडिंग के लिए ज्यादातर MACD इंडिकेटर ही यूज करता हूँ ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर मैं यूज करने की बात करूँ। ये या आप ADX भी यूज कर सकते हो, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स जो होता है। ठीक है, ADX इंडिकेटर भी अच्छा है, वो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। अगर मार्केट में कितना ट्रेंड, कितना अच्छा ट्रेंड है वो आपको बताता है। अगर मार्केट में ट्रेंड ही नहीं होगा तो आप ट्रेड लेके क्या करोगे। तो ADX भी एक अच्छा इंडिकेटर है, वो भी आप यूज कर सकते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स आज मिलो इनू को लेके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके जो फॉलोवर्स हैं ट्विटर के ऊपर वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे करीब 57,000 फॉलोवर्स हैं ट्विटर के ऊपर इसके। ठीक है, और एनिमेशन सीरीज स्टेनली स्टैंडर्ड टू NFT गेम 5 फ्यूचरिंग सीरीज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं मिलो को लेके। ठीक है, और इनका मेटावर्स भी अभी आने वाला है, देखते हैं क्या क्या ये लोग करते हैं। सो ये सारी अपडेट्स थी टोकन के लेकर। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज विकास, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।